गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास हमारा ये होमवर्क था जो हम लोग करेंगे अभी। मैंने आपको बैलेंस शीट दिया था बनाने के लिए। सो आई हैड टोल्ड यू कि दो कंपनी मिलकर एक नया कंपनी बन रहा है। तो जो नया कंपनी बन रहा है उसका पहले का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, राइट? उसका अपने का पहले का कोई भी अस्तित्व नहीं है। वॉट एवर इज द जर्नल एंट्री उसके बेसिस पे अपने बैलेंस शीट बनाएंगे। क्वेश्चन में खाली ओल्ड कंपनी बोला था, बट अपन न्यू कंपनी भी कर रहे हैं। क्वेश्चन में खाली ओल्ड कंपनी करने बोला है। राइट? आइए। सो अभी हम लोग को इससे मतलब नहीं है। मैं अब खाली बैलेंस शीट का डेट देखने के लिए आया था। ऐसा कोई डेट नहीं दिया। ओके फाइन। सो दिस इज केएल लिमिटेड। बैलेंस शीट एज ऑन डॉट डॉट डॉट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज नोट्स रुपीज। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल आएगा। नोट वन शेयर कैपिटल। नाउ सबसे पहले फोर्टी एट थाउजेंड शेयर यहां है, 18,000 शेयर यहां पे है, 66 15,000 81,000 शेयर्स। सो 81,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 20 ईच। रुपीज 18 पेड अप कितना आ रहा है? 14,58,000। अब प्रेफरेंस शेयर का कैलकुलेशन करेंगे। 20,000 प्रेफरेंस शेयर यहां दिया है, लास्ट में लिखेंगे। 20,000 प्रेफरेंस शेयर यहां है, 15,000 यहां है, तो टोटल 35,000 प्रेफरेंस शेयर हो गया।
कितना है रैम? 6 लाख। कितना आ रहा है? नाउ रिजर्व एंड सरप्लस में खाली सिक्योरिटीज प्रीमियम है, क्योंकि ये तो परचेज मेथड है। पुराना कंपनी का रिजर्व टेक ओवर नहीं हुआ, ना ही कैपिटल रिजर्व आया है। हम चाहें तो नोट बना सकते हैं, नोट टू। अच्छा, उसके पहले अपन को यहां पे शेयर के लिए नोट देना पड़ेगा। आउट ऑफ अबव इक्विटी शेयर्स 66,000, इक्विटी शेयर हैज बीन इश्यूड। 66 होगा ना, क्योंकि 81 में 15,000 के लिए तो कैश मिल चुका है। जिस पोर्शन के लिए कैश नहीं मिला वही वाला नोट में आएगा। आउट ऑफ अबव इक्विटी शेयर 66,000 इक्विटी शेयर हैज बीन इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और पूरा 35,000 प्रेफरेंस शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ऑल्सो ऑल ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैज बीन इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नोट टू में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? ये पूरा का पूरा शेयर, ऑल ऑफ दीज शेयर्स हैज बीन इश्यूड एट द रेट 22। All of these shares also at the rate 22। Amalgamation में जो शेयर दिया वो भी 22 रुपया का था, और जो फ्रेश इश्यू किया वो भी 22 रुपया का था, तो दोनों कैटेगरी में 4-4 रुपए प्रीमियम है। 81,000 इंटू फोर प्लस 35,000 इंटू फोर कितना आ रहा है? 4,64,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट थ्री में आएगा। नहीं, वो तो कूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में आता है। अभी हम तो टेक ओवर ही नहीं किया ना, देखो अभी तो टेक ओवर ही कोरी नहीं, शुद्ध एसेट की नहीं ची आर लाइबिलिटी नहीं है ची, रिजर्व तो नहीं ही नहीं। अभी ये तो मार्जर मेथड ना है, इट इज द परचेज मेथड, क्योंकि सम एसेट्स आर टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यू एंड इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग कैश भी दे रहे, तो ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड नहीं है। ऑल इक्विटी शेयर होल्डर अग्री टू बिकम शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी, ऑल इक्विटी शेयर दोज हु अग्री आर डिस्चार्ज ओनली बाय इक्विटी शेयर, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर एट बुक वैल्यू एंड बिजनेस ऑफ द ओल्ड कंपनी इज कैरीड ऑन बाय द न्यू कंपनी आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, मतलब आफ्टर एब्जॉर्प्शन एमलगमेशन जो भी।
6% डिवेंचर आएगा 190 का, सिक्योर्ड लोन टेक ओवर हुआ है 2 लाख का, तुम्हारा डिवेंचर का टेक ओवर किया 190 में और बदले में अपना डिवेंचर दे दिया, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल कितना आ रहा है, यहीं पे ऐड कर दो, 1 लाख है, 1 लाख 2 लाख 10 माइनस 20,000 कॉन्ट्रा, और तो कुछ नहीं है, टोटल कितना है, 32, 32, হবে কি 42 হবে চেক করে বলো। नॉन करेंट एसेट में सबसे पहले पीपीई आएगा, इसका नोट 4 बना सकते हो, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है बोलो, एक एक का बताओ, इसका 650 प्लस 5 लाख, हाँ 620 सॉरी, हाँ 620 प्लस 5 लाख, फोर लाख 50 कितना आ रहा है, এটা 60 আর 20 কত, 19,50,000, ঠিক আছে, नंबर टू इंटेंजिबल्स में खाली गुडविल होगा जो ऑलरेडी के लिमिटेड में है, करंट एसेट, इन्वेंटरी कितना आ रहा है बोलो तो, 268 আলাদা আলাদা বলো কত আছে, জানি না আমি, 2,2500, 37,200 কত আসছে, 357,700, আচ্ছা জার্নাল এন্ট্রি কে বক্ত অলরেডি আমরা টোটাল কিয়াই হ্যাঁ, এটা কত, 268 কত, 1 প্লাস মাইনাস 20,000 মিউচুয়াল ইনডেবটনেস কত, 4
नो, कैश ज्यादा है कि बैंक ज्यादा है बता तो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट 5 बना लो। ठीक है, बैंक कितना कितना है बोलो। बैंक बैंक प्लस माइनस 74 माइनस 64 कितना आएगा। कैश बोलो तो कितना है, 41375 प्लस 1000 वाला पैसा आया ना, वो बैंक में ऐड कर दो। कतो एसचे ये भूल नहीं सकता, मैं भूल गया था। शेयर का इफेक्ट तो शेयर कैपिटल बढ़ा दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ा दिया, और यहां पे बैंक बढ़ेगा। कितना आ रहा है एग्जैक्ट, फिफ्टी एट फोर ट्वेंटी फाइव, 550 425 टोटल लगा तो 32, 32 इज इट फाइन एवरी वन। चलो
नंबर सिक्स करेंगे, नंबर द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स आर गिवेन एज अ 31 मार्च 2021, बेस्ट लिमिटेड और बेटर लिमिटेड दोनों का शेयर कैपिटल दे दिया 20 लाख, मतलब इसका 20,000 शेयर्स है, यहां पे 10 लाख मतलब 10,000 शेयर्स है, ठीक है ना। ज्यादा झमेला नहीं है, बैलेंस शीट बहुत छोटा सा सिंपल का है, कोई नोट्स वगैरह नहीं है, क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट को दूसरा टेस्ट हो रहा है। पूरा फुल फ्लेजेड ही है। क्लोजिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बेटर, तो इसका मतलब बेटर ओल्ड हो गया, बेस्ट न्यू हो गया, जिसमें ओपनिंग जनरल एंट्री करने बोलेगा मतलब वो नया कंपनी है, और यहां लिखा हुआ भी है बेस्ट विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर, सो दिस इज न्यू कंपनी एंड दिस इज ओल्ड कंपनी। पहले बोलता है ओल्ड कंपनी बोनस शेयर देगा, खाली मन का संतुष्टि है ये, राइट। बोनस शेयर्स हम लोग करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आज दूंगा। बोनस शेयर का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, नथिंग एल्स। शेयर कैपिटल इंक्रीजेस, रिजर्व एंड सरप्लस डिक्रीजेस। ठीक है, उसके बाद दिस इज पीसी, दिस इज म्यूचुअल सेट ऑफ पोस्ट एब्जॉर्प्शन। मेरा लाइबिलिटी में तुम हो तो तुम्हारा डेटर में मैं होगा, सेट ऑफ कर देंगे। मेरे स्टॉक में तुम्हारा वाला माल पड़ा हुआ था, लेकिन अब तो वो तुम्हारे पास चला गया, तो तुम उसका अनरियलाइज प्रॉफिट हटाओगे, इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है। तो ये म्यूचुअल सेट ऑफ पोस्ट अब्सॉर्प्शन होगा, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ये हमारा पीसी है, तो सबसे पहले बोनस शेयर समझते हैं। इधर में देखेंगे दस लाख का यही दे रहा है ना बोनस शेयर, 10 लाख का इसका शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस 8 है, 18 है ना, बोनस के बाद भी शेयर होल्डर फंड 18 ही रहेगा। दिस इज प्री बोनस, टोटल कितना 18,
पोस्ट बोनस भी टोटल 18 ही रहेगा, ये गिर जाएगा ये बढ़ जाएगा। बोनस शेयर्स राइट, इट इज नथिंग बट कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। खाली सेटिस्फैक्शन है ये, मन की संतुष्टि। मालिक ने मेरे को बोनस दिया, बोनस दे, अरे बोनस क्या दिया, तुम्हारे सीटीसी में है वो। अगर किसी का सैलरी का पैकेज 13 लाख है, दिस इज सीटीसी, 1 मंथ बोनस है, इसका मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन? 12 महीना प्लस एक 13 महीना, ये इसमें इंक्लूडेड है। सो एवरी मंथ कितना मिलेगा मेरे को, 1 लाख, और फिर बोनस 1 लाख एट द टाइम ऑफ दिवाली, टोटल हमको 13 लाख ही मिलेगा। तो सीटीसी विल बी डिवाइडेड बाय 13, 12 महीने का सैलरी प्लस 1 महीना बोनस, तो क्या मेरा सैलरी बढ़ गया? नहीं, ये तो मेरा सीटीसी में ही था। कॉस्ट टू कंपनी जो होता है वो उसी में था, पहले तुम हमको थोड़ा थोड़ा करके दिया और फिर दिवाली में हमको तुम बोनस दे दिया। अगर ये बोनस नहीं होता तो क्या होता, 13 लाख डिवाइड बाय 12 करो कितना आ रहा, देखो 13 लाख डिवाइडेड बाय 12, 1,08,000 समथिंग, 1,08,333। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग 1 लाख पर मंथ आई वुड हैव गॉट 1,08,000 समथिंग। सो इट्स सच अ सिंपल मेयर सेटिस्फैक्शन, नथिंग एल्स। सो कंपनी जब अपना शेयर फ्री में दे रही है, इसका मतलब खाली मन की संतुष्टि है ये, कुछ भी फ्री नहीं होता, हमारे रिजर्व से ही वो हमको शेयर दे रही है। ऐसा क्यों होता है मालूम है? जब कंपनी के पास में कैश अवेलेबल ना हो डिविडेंड देने के लिए, जब कंपनी के पास में कैश अवेलेबल ना हो राइट, बोनस शेयर, बोनस डिस्ट्रीब्यूशन इज एडॉप्टेड बाई कंपनीज यूजुअली वेन दे डोंट हैव कैश अवेलेबल विद देम टू पे डिविडेंड्स। अब कोई हमारा वीडियो देख रहा होगा तो बोलेगा सर दिस इज ओनली वन ऑफ द रीजन, लेकिन भाई साहब और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं, सपोज करो अगर मैं यूएस में बात करता हूं, यूएस की बात करता हूं, या इंडिया की बात कर लो, चलो इंडिया में अगर किसी को टैक्सेशन के बारे में नॉलेज है तो उसको मालूम है डिविडेंड इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम आपका 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करेगा, लेकिन वहीं पे अगर आप कैपिटल गेन करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो 15%, लॉन्ग टर्म हुआ तो 10%। सो व्हाट आई वुड प्रेफर,
कैश डिविडेंड और आई वुड प्रेफर कैपिटल एप्रिसिएशन, सो आई वुड प्रेफर कैपिटल एप्रिसिएशन। दैट केस क्या होगा, मैं कंपनी को बोलूंगा आप हमको कैश डिविडेंड मत दीजिए, आप हमको बोनस शेयर्स दे दीजिए, जस्ट इंक्रीज माई नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम माई प्रॉफिट्स। शेयर सर्टिफिकेट आ गया मतलब मेरे पास उतना शेयर का होल्डिंग हो गया। आज तुम मेरे को डिविडेंड दोगे, फिर मैं मार्केट में जाऊंगा उसी पैसे से आप ये कंपनी का शेयर में और इन्वेस्ट करूंगा, उसमें मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लग जाएगा। एंड उसमें ऐसा हो सकता है कि जो सामने वाला शेयर होल्डर हो वो नहीं बेचने को तैयार हो अपना होल्डिंग, राइट? सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द रीजंस। सर आपके पास कैश क्यों नहीं है जब आपके पास प्रॉफिट्स है? तो कोई साल में लॉस हो गया है एंड कंपनी इज द हैबिट ऑफ मेंटेनिंग डिविडेंड ओवर द इयर्स, मेरी आदत बन चुकी है अगर मैं किसी साल शेयर होल्डर को डिविडेंड ना दू उनको दिल का दौरा पड़ गया तो हाई पॉसिबिलिटी हो सकता है ये सब। So this can be considered as one of the main reasons. You can also think from tax point of view. Right? गियरिंग रेशियो, सर डेप्ट इक्विटी रेशियो इंप्रूव करना है, इक्विटी कंपोनेंट बढ़ाना है, हालांकि गियरिंग में रिजर्व एंड सरप्लस भी कंसीडर होता है बट फिर भी सेफ साइड के लिए मैंने बताया है। ये नहीं भी हो सकता, ये इसको छोड़ दो, लीव दिस। क्योंकि गेयरिंग रेशियो में क्या होता है, डेब्ट बाय इक्विटी, और इक्विटी में क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो आज रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा, शेयर कैपिटल बढ़ गया, तो डेप्ट इक्विटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राइट? तो गेयरिंग रेशियो नहीं हो सकता, दीज आर द रीजंस। एनीवे अपने को इसका रीजन से क्या लेना देना, अपने को तो अकाउंटिंग एंट्री सीखना, हम लोग तो आदमी है, इंसान है। ये डेप्ट इक्विटी समझ गया ना आप लोग, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस दोनों आता है, इसको गिराएंगे इसको बढ़ाएंगे। बोनस शेयर में तो यही हो रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिविडेंड अगर शेयर होल्डर को दोगे तो शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। तो बहुत सारे शेयर होल्डर बोलते नहीं हमको डिविडेंड मत दो, हमको कैपिटल अप्रिसिएशन दो, तो हम क्या करेंगे फॉर द टाइमिंग हम उसको स्क्रिप डिविडेंड दे देंगे, बोनस शेयर दे देंगे, या हमारे पास डिविडेंड देने के लिए पैसे ही नहीं है, कई साल लॉस हो गया, एंड आई हैव द हैबिट ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, तो चलो डिविडेंड नहीं दिया, कैश डिविडेंड नहीं दिया, स्क्रिप डिविडेंड ले लो, राइट? नाउ इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहला इसमें बोनस कॉल भी होता है, वो अपने बाद में बात कर लेंगे, अपने को खाली बोनस शेयर में स्टिक रहना है। रिजर्व एंड सरप्लस यूज करना है ना? सबसे पहले आप यूज कर सकते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व।
उसके बाद आप यूज कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बोनस शेयर्स एंड दूसरा राइट ना, हमेशा याद रखना ये दो रिजर्व वही वाला लेंगे जो रियलाइज्ड इन कैश है। तो अभी जो मैंने आपको सम कराया उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज पार्टली रियलाइज्ड इन कैश एंड पार्टली वॉज आउट ऑफ शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो जो नॉट रियलाइज्ड इन कैश है उसके आप बोनस शेयर नहीं दे सकते। अभी मैंने आपको बताया ना, ये देखो ये रहा, ये 81,000 में 15,000 शेयर का सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब 60,000, इस पूरे में से ओनली 60 इज रियलाइज इन कैश। बाकी प्रेफरेंस शेयर में जो सिक्योरिटी प्रीमियम आया वो कैश में रियलाइज नहीं हुआ है। बाकी का इक्विटी शेयर वाला भी कैश में रियलाइज नहीं है। सो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, राइट, कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए हमेशा याद रखेंगे जो रियलाइज इन कैश है वही वाला पार्ट लेंगे और कोई पार्ट नहीं लेना है। ठीक है, बींग शेयर्स इशूड एंड बोनस शेयर खाली हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को ही दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर नहीं दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं बेटर लिमिटेड का, 10,000 इक्विटी शेयर है ऑफ रुपीस 100 ईच, 10 लाख रिजर्व एंड सरप्लस 8 लाख, नाउ नोट बोनस रेशियो बोला है 1:2, इसका मतलब क्या है,
फॉर एवरी वन, फॉर एवरी टू इक्विटी शेयर्स हेल्ड है, ये पीछे वाला हेल्ड होता है, शेयर होल्डर वुड गेट वन इक्विटी शेयर। हर दो के बदले में आपको एक इक्विटी शेयर मिलेगा बोनस के तौर पे। तो नंबर ऑफ शेयर 10,000, हाफ मतलब 5,000 शेयर मिलेगा। पांच लाख ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग? इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट 5 लाख टू बोनस शेयर। ठीक है, तो ऐसा करने से ये हो जाएगा 15 लाख, ये हो जाएगा 3 लाख। ठीक है ना? और तो अलग अलग टाइप का रिजर्व नहीं है, नहीं तो इसी ऑर्डर में यूज करेंगे, ये प्रेफरेंस है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर के केस में, या तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इन दो केस में बनता है। राइट, ये बनता कैसे हम लोग बाद में अलग अलग रेस्पेक्टिव चैप्टर में सीखेंगे।
बेसिकली इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स एंड द लेंडर्स दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ जनरल रिजर्व एंड पीएल. अगर ये ना होता तो जनरल रिजर्व पीएल होता, सीधी सी बात है. सो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के टाइम पे ये बनता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स एंड द लेंडर्स. और कहां से बनाते हैं इसको, जनरल रिजर्व, मतलब बेसिकली एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में डाल रहे हैं. तो एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में डाल रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव ये डिविडेंड देने से रोकना. क्योंकि जब तक जनरल रिजर्व और पीएल में पड़ा रहेगा तो हम डिविडेंड दे सकते हैं, और उस पैसे को अगर हम कैपिटल रिजर्व में डाल दें, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल दें, इसका मतलब क्या है, अब इन प्रॉफिट से मैं डिविडेंड नहीं दे सकता. सो अकॉर्डिंगली द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर एंड द लेंडर्स विल बी प्रोटेक्टेड. फिर हेरा फेरी देखियो, मैंने धंधा चालू किया पैसा लगा के, क्रेडिटर ने भी पैसा दिया, अब मैं दोनों का पैसा लेके भाग जाऊंगा, ऐसा तो होता नहीं है. हमारे यहां पे कंपनीज एक्ट है, तो कंपनीज एक्ट के थ्रू क्रेडिटर्स लेंडर्स को प्रोटेक्शन दिया गया है कि आपने पैसा डाला, आपके लेंडर ने भी पैसा डाला, ठीक है. लाइबिलिटी ऑफ द ओनर लिमिटेड है, मानता हूं आप दोनों ने पैसा डाला, लेकिन कल को जब कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले पैसा लेंडर को चुकाया जाएगा, उसके बाद क्रेडिटर को चुकाया जाएगा. सबसे पहले पैसा लेंडर को चुकाया जाएगा, उसके बाद शेयर होल्डर को चुकाया जाएगा. गॉट माई पॉइंट? सो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं, जब आया है हमारे सामने. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन बिजनेस स्टार्ट्स ओनर पुट्स इन, क्रेडिटर लेंडर्स पुट्स इन मनी. दोनों पैसा लगाया. व्हेन बिजनेस लिक्विडेट्स फर्स्ट, क्रेडिटर लेंडर पे ऑफ, देन ओनर पे ऑफ. ये मंत्र मालूम है सबको, लेकिन हुआ क्या, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर. बायबैक क्या कब करते हैं, जब आपके पास ह्यूज सरप्लस कैश रिजर्व रेशियो है, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है लेकिन आपको उसके अल्टरनेटिव यूज नहीं मालूम, तो आप क्या करते हैं, कुछ ओनर को आप पैसा वापस कर देते हैं, कुछ सबको नहीं, कुछ ओनर को. तो इट मींस बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर में हु इज गेटिंग मनी फर्स्ट, हाँ ओनर. तुम्हारे बुक्स में अभी भी क्रेडिटर है, तो सर आपके पास जब बहुत सारा पैसा पड़ा है तो आप क्रेडिटर को चुका क्यों नहीं देते? नहीं, आदत खराब नहीं करेंगे, वो मेरे को दो महीने का उधारी दिया है, आई विल एंजॉय दैट. कल को मैं इस पोजीशन पे ना हूं, अगर मैं तुमको आदत लगा दूंगा तो होगा क्या, हर बार तुम मेरे से जल्दी पैसा मांगोगे. व्हेन यू हैव गिवन मी टू मंथ्स क्रेडिट मींस टू मंथ्स क्रेडिट. सो आई मे नॉट पे माई क्रेडिटर्स, आई मे नॉट पे माई लेंडर्स बिकॉज उनका ड्यू डेट नहीं आया अभी तक, बट दे आर देयर इन माई बैलेंस शीट. इट मीन्स यू आर पेइंग ऑफ योर ओनर बिफोर क्रेडिटर. सेम इज द केस विद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. राइट, इन बोथ द केसेस वी आर पेइंग ऑफ ओनर्स बिफोर क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स. सो गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू गिव देम प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन टू हूम, वेरी गुड. सो कंपनी लॉ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स
रेस्ट्रिक्ट्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। देयरफॉर टू द एक्सटेंट कैपिटल इज रीपेड वी मस्ट ट्रांसफर प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड टू CRR from General Reserve PL। होगा क्या, आपने ओनर को चिका दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद आपके पास पीएल जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, आप नेक्स्ट मोमेंट डिविडेंड भी बांट दिए, तो द फंड्स अवेलेबल विद द कंपनी डिप्लीटिंग डे बाय डे। ना चीज को समझो, हर साल हम कमाते हैं, हमने कमाया, व्हाट डज मीन्स कमाई, क्या होता है, व्हाट इज इनकम, फर्स्ट टेल मी व्हाट इज इनकम, व्हाट इज इनकम, दिस माय सेल्स एंड दिस इज माय परचेस, उसके बाद आई गेट माय नेट इनकम एंड दिस नेट इनकम हैज बीन डिराइव्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर क्रेडिटर्स। ये परचेस का ही ना क्रेडिटर बनेगा। सो इफ यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर क्रेडिटर्स देन व्हाई डोंट यू पे इट ऑफ। आई डोंट हैव कैश, मे बी दिस सेल इज ऑन क्रेडिट, व्हेन आई रियलाइज देन अकॉर्डिंगली आई विल पे ऑफ, मे बी दिस क्रेडिटर हैज गिवन मी सम मंथ्स टू एंजॉय, व्हाई विल आई पे हिम अर्ली। ट्राई टू अंडरस्टैंड, but the provision for creditor has already been made, आपका net income क्या होता है, sales minus purchase, purchase का ही ना creditor होगा, creditor अब आएगा कहां से बताओ ना मेरे को, समझाओ, from where you will get creditors, purchase से, so you have already made provision for creditors but you are not paying it off, why? Because the sales has not yet been realized, we are following accrual basis of accounting, right? There might be a case that the credit period has not yet come, due date आया नहीं है अभी तक, but provision हमने बना रखा है, तो इसको जब मैं distribute करूंगा, no one can stop me. When I distribute net income, no one can stop me in doing so. इसी से ना डिविडेंड देते हो, only under one case I can get stopped. Recently there was repayment of capital, repayment to owners. So when there is repayment to owners, to the extent capital is repaid, you cannot give dividend. To the extent the capital is repaid, we must transfer profit available for dividend to capital redemption reserve. This is the restriction they have put. एक ही बात हुआ, आज अगर ये रीपेमेंट नहीं होता तो क्या होता, हम डिविडेंड बांटते शेयर होल्डर को, उसमें कोई मना ही नहीं है, यस और नो? तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, आपने रीपेमेंट किया है, आपने रीपेमेंट किया बट ये डिविडेंड माना जाए अकाउंटिंग बुक्स में, इसलिए मैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड को कम करके सीआरआर में डाल दे रहा हूं।
बेसिकली एक टाइप का डिविडेंड माना जाएगा ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अब तुम लोग पार्टनरशिप में पढ़ा है, एक पार्टनर जब रिटायर होता है तो रिमेनिंग पार्टनर घर से पैसा लाता है, एक पार्टनर जब रिटायर होता है तो उसको उसको जो देना है पैसा वो कहां से आता है, बाकी पार्टनर लोग घर से लाता है, होता है ना। तो उस समय क्या फंड्स अवेलेबल कम हुआ बिजनेस का? नहीं, पहले जितना था अभी भी उतना ही है, जितना तुमको दिया वो कौन लेके आया, वो लोग घर से लेके आया, तो इन दैट केस सीआरआर बनाने का दरकार नहीं है। तो यहां पर भी वही होगा, अगर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है एंड इट इज बैक्ड बाय इक्विटी शेयर इशू, एक ओनर को पैसा दिया दूसरा ओनर पैसा ले आया घर से, सो देन इन दैट केस कैपिटल इज रीपेड आउट ऑफ इक्विटी शेयर, नॉट आउट ऑफ रिजर्व्स, नॉट आउट ऑफ ओन फंड्स। सो व्हेन कैपिटल इज रीपेड आउट ऑफ फ्रेश इश्यू, नो नीड फॉर दिस प्रोविजन, बिकॉज क्रेडिटर्स इंटरेस्ट इज एनीवे प्रोटेक्टेड, क्रेडिटर्स इंटरेस्ट इज एनीवे प्रोटेक्टेड। प्रॉब्लम कब होगा? व्हेन फंड्स आर डिप्लीटिंग डे बाय डे, बिकॉज आई हैव गिवन यू क्रेडिट based by seeing your balance sheet, by seeing your financial position. If there is any change in that capital structure, it might affect me. Debt equity 2:1, मतलब अगर इक्विटी 100 होगा तो बैंक 200 का लोन देगा, लेकिन तुमने तो 30% चुका दिया इक्विटी को, तो 100 का अगर तुम 30% चुका दोगे तो what is your new equity? 70. And what is your debt? 200. So debt equity is now more than 2. It is a big sign of worry. If you have put in 100, then I am ready to give 200. But now you put in 100, took my 200. Now you are taking 30 your. So when you are taking 30 your contribution, what is happening? Company ka funds to gir raha hai na. So it's a big sign to worry. आज तुम 30 लेके गया, कल तुम फिर 30 ले जाएगा, तुम अपना पूरा 100 ले गया, नाउ यू ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग माई मनी, इसी तरीके से तो स्कैम होता है। कंपनी का फंड्स आर डिप्लीटिंग डे बाय डे, स्कैम होगा कैसे? इज इट फाइन? सो लेट अस रिकैप्चुलेट वंस। सबसे पहला बात बोनस शेयर, बोनस शेयर यू कैन गिव आउट ऑफ 5 रिजर्व्स, बेसिकली इट्स सिंपली मियर सैटिस्फैक्शन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। व्हाट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व? इट इज क्रिएटेड व्हेन यू आर रीपेइंग कैपिटल बिफोर क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स, राइट? तो दैट इज बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, you are repaying your equity shareholder, redemption of preference share, again you are repaying your preference shareholder. So that time you have to create. Now what is the concept behind it? To protect interest of the lenders and the creditors. Whenever there is any kind of repayment, first it should be done to creditor lender and then it should be done to the shareholder. But in case of buyback and redemption of preference share, we are not starting down the business. We are just only repaying a part of the owner. Then also, creditor will say, our interest is not protected. In that case, what is happening? So when capital is repaid, in order to protect interest of the creditors and the lenders, whatever profit you have for dividend distribution, that you have to block. Usna ko aapko CRR mein dalna padega. Lekin if capital is repaid out of fresh issue, no need to create this CRR. Then I told you capital reserve and securities premium, ये realized in cash होना चाहिए. क्या होना चाहिए? Realized in cash होना चाहिए, तभी आप इसको use कर सकते हैं. Revaluation reserve को आपने capital reserve में डाला, use नहीं कर सकते क्योंकि revaluation reserve is just unrealized profit. कई बार क्या होता है, आप asset को revalue करते हैं, upward revalue करते हैं,
राइट, व्हेन यू डू अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स व्हाट हैपेंस, रिवैल्यूएशन रिजर्व आता है, उसको आप कैपिटल रिजर्व में डालते हो, बट दैट इज अनरियलाइज्ड। शेयर इश्यू किया फॉर कंसिडरेशन अदर देन क्या, दैट इज ऑल्सो अनरियलाइज्ड, तो दैट यू कैन नॉट यूज, जनरल रिजर्व, पीएल, ये सब ठीक है। तो बोनस शेयर में डालेंगे, फिर बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हम लोग का कैलकुलेशन बहुत सिंपल था, और ये हमारा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट है। सो जब जब आप रीपेमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे, रीपेमेंट ऑफ प्रॉफिट पे रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, दैट इज डिविडेंड देने पे रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, जितना आपने रीपेमेंट किया है उतना डिविडेंड आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, उतना प्रॉफिट आपको ब्लॉक करके सीआरआर में डालना पड़ेगा, सो दैट यू कैन नॉट गिव डिविडेंड टू दैट एक्सटेंट, राइट। बट इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय फ्रेश इश्यू, नो प्रॉब्लम। एनीवे, सो अपन को खाली ये बोनस शेयर से मतलब है, दिस इज वॉट वी हैव टू से, रिजर्व एंड सरप्लस कम हो गया हमारा, शेयर कैपिटल बढ़ गया, राइट। सो नाउ दिस इज 15 एंड दिस इज 3, ये हमारा ओल्ड कंपनी का बैलेंस शीट है, एंड दिस विल बी 15,000 शेयर्स। Is it okay? चलो, now we have to calculate PC. PC नया capital employed से होगा, नया capital से, ठीक है ना? नया company का value को 150 माना जाएगा, and पुराना company का value is 100. ठीक है, कोई problem नहीं है। राइट, इज इट फाइन? वेन एवर थिंग्स आर लाइक दिस ना, अज्यूम सीपीएस इज जीरो, बेस्ट वे टू कैलकुलेट, अज्यूम कैश पर शेयर इज जीरो। नाउ व्हाट इज हैपनिंग आई विल टेल यू, नोट वन वॉज, मैंने दो कॉन्सेप्ट बताया आपको, बोनस शेयर, रिजर्व्स को यूज करके कैपिटल में डालेंगे, रिजर्व्स में जनरल रिजर्व समझाने का दरकार नहीं है, पीएल समझाने का दरकार नहीं है, कैपिटल रिजर्व में रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं होना चाहिए, जो भी होगा सब रियलाइज्ड इन कैश होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम उन शेयर का इश्यू वाला लेंगे जो कैश में इश्यू हुआ है, आप कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला नहीं लेंगे। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कब बनाते हैं? बायबैक और रिडेम्पशन के टाइम पे। क्यों बनाते हैं? टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स, बिकॉज सिंस वी आर रीपेइंग पार्ट ऑफ द ओनर बिफोर क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स आर गेटिंग रीपेड। आई रिपीट, लिक्विडेशन में तो यह प्रॉब्लम आएगा नहीं, क्योंकि लिक्विडेशन में पहले क्रेडिटर लेंडर को चुकाएंगे, उसके बाद शेयर होल्डर को चुकाया जाता है, लेकिन अभी तो बिजनेस चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, you have huge surplus cash, so you are repaying your money to the equity shareholder, equity shareholder ka uska paisa wapas kar rahe hain, kyunki unko hamesha return chahiye, zyada return chahiye, to unka paisa hum idle karke rakhenge apne paas, fayda kya hai, unko return to de nahi payenge, to some of the shareholder ko hum paisa wapas kar denge। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर था, उसका उसका रिडेम्पशन का डेट आ चुका है, तो सम ओनर्स आर गेटिंग रीपेड इन प्रायोरिटी टू क्रेडिटर लेंडर। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर लेंडर, कंपनी लॉ हैज सेड समथिंग। व्हाट कंपनी लॉ हैज सेड? कंपनी लॉ इज सेइंग amount of profit
शुड बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो टू द एक्सटेंट कैपिटल इज रीपेड उतना प्रॉफिट विल बी रेस्ट्रिक्टेड। सिंपल फंडा है, राइट। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीआरआर एंड ये हमारा बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट था। तो हम लोग को एग्जाम में खाली ये बोनस शेयर का एंट्री दिखाना है बस। दिस इज नोट वन, ये दिस इज नोट वन। ये तो मैंने जर्नल एंट्री समझाने के लिए बताया आपको, राइट। एंड ये मैं आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व समझा रहा था। खाली ये पोर्शन आपको दिखाना है एग्जाम में। क्लियर? ऊपर तो जनरल एंट्री है, नीचे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व समझाया है। अब नोट टू, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। नाउ ध्यान से सुनना, हम लोग को मालूम है वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी इनटू, सॉरी, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी इनटू नंबर ऑफ शेयर सरेंडर्ड माइनस वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑब्टेंड, ये बराबर होना चाहिए। डिनोमिनेटर में होता है हमारा नंबर ऑफ शेयर सरेंडर, तो उसको उधर लेके जाएंगे, जीरो से मल्टीप्लाई, एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद जीरो इज जीरो। ये हमेशा याद रखना। अगर आपको नंबर ऑफ शेयर नहीं बताया हुआ है तो यू शुड ऑलवेज फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। When they have told that दोनों का वैल्यू के बेसिस पे शेयर इश्यू हो रहा है, इसका मतलब जितना मैंने सरेंडर किया और जितना मेरे को ऑब्टेन हुआ उसका बराबर वैल्यू होना चाहिए। और वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी 100, पोस्ट बोनस वी हैव 15,000 शेयर्स, वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी 150, सॉल्व करो, नंबर ऑफ शेयर्स ऑब्टेंड नया कंपनी अपना 10,000 शेयर्स देगा, हो जाएगा। नया कंपनी अपना 10,000 शेयर्स देगा, सो पीसी पेमेंट टू, पेमेंट इन वर्किंग्स अमाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर को बैश लिमिटेड का इक्विटी शेयर ही देंगे, 10,000 शेयर दे रहे 150 वाला, ₹15,00,000 आएगा परचेस कंसिडरेशन। बोला वैल्यू के बेसिस पे शेयर अलॉट करो, इसका मतलब कैश पर शेयर जीरो होगा ना। लास्ट क्लास जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, नंबर ऑफ शेयर दे दिया था, तो डिफरेंस वाज़ द कैश पर शेयर।
सो व्हेन दे टेल यू टू एलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, इट मींस कैश पर शेयर विल बी जीरो। ठीक है, अब जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। क्लोजिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड। इक्विटी शेयर होल्डर यहां प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है। बेस्ट लिमिटेड इज द न्यू कंपनी। बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख लेंगे। अच्छा, रुपीज इन लैक्स लिख लो। बोनस के बाद ना, रिजर्व एंड सरप्लस 3। ओल्ड कंपनी में AS 14 डजंट अप्लाई, तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है कि परचेज मेथड अभी नहीं देखेंगे, जब नया कंपनी करेंगे तब बात करेंगे। और ये बट ऑब्वियस है, ये कौन सा मेथड होगा? पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। सारा शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर ही दे रहे, सारा एसेट लाइबिलिटी खरीदा गया बुक वैल्यू में। म्यूचुअल इंडेटेडनेस से मतलब तो बाद में होगा, है ना? चलो चलो शुरू करो। ठीक है, सो नया कैपिटल है 5 और 3 रिजर्व। 5 ऐड हो गया कैपिटल में। अच्छा, करंट लायबिलिटी 2 है।
बाई करेंट लाइबिलिटी 2 लाख, टू पीपीई 15 लाख और टू करेंट एसेट 5। अब पीसी ड्यू रियलाइज डिस्ट्रीब्यूट, ड्यू टू रियलाइजेशन कितना 15, यहां पे बाई बेस्ट 15, रियलाइज बाई इक्विटी शेयर इन बेस्ट मिला है 15 का, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर इन बेस्ट लिमिटेड 15, ड्यू रियलाइज डिस्ट्रीब्यूट, खाली ड्यू का एंट्री दोनों जगह आएगा। अब पैकअप करें, या तो प्रेफरेंशियल होल्डर है नहीं, बाई इक्विटी शेयर होल्डर इधर आ रहा है ना, इसका मतलब इसको बोलेंगे अपन रियलाइजेशन लॉस। मैच हो गया, सो दिस इज बैलेंसिंग फिगर 1। अब करना है ओपनिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, राइट। सबसे पहला बिजनेस परचेज डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड, ऑल फिगर्स आर इन लैक्स। बीइंग पीसी ड्यू कुछ है ही नहीं इस समय, एसेट खरीदेंगे, लाइबिलिटी खरीदेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस भी खरीदेंगे,
बींग एसेट लाइबिलिटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस इनकॉर्पोरेटेड। 15, 5, 2, 3, 15 कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। राइट, रिजर्व एंड सरप्लस भी इनकॉर्पोरेट करना है हम लोगों को। अब नया कंपनी तो अपना शेयर प्रीमियम में दे रहा है। देखो ये अपना शेयर को 150 में इशू किया है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 150 है। बैलेंस शीट चेक करो, शेयर का दाम 100 है। इसे तो 20 लाख को डिवाइड बाय 100 किया था तो 20,000 शेयर आया था। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपया कैपिटल, 50 रुपया प्रीमियम। पुराना कंपनी से मतलब नहीं है, पुराना कंपनी में तो 10,000 शेयर मिला 15, 150 करके। इश्यूइंग कंपनी दिखाता है ब्रेकअप। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, 10,000 इंटू 100, ठीक है। करंट लायबिलिटी डेबिट टू करंट एसेट 1:1। ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल होता है, बट यहां पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी बोल के बोला है।
बता रहा हूं। अब ध्यान से पढ़ना। बेस्ट ने मेरे को 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बेचा था, तो ये तुम लोग फाउंडेशन लेवल में सीखा होगा, 1/4 ऑन कॉस्ट मतलब 1/5 ऑन सेल। बेस को बढ़ा देते हैं ऑन सेल आने में, 1/4 ऑन कॉस्ट मतलब 1/5 ऑन सेल। जो न्यूमरेटर में रहता है वो डिनोमिनेटर में ऐड हो जाता है। 25% मतलब 25/100 काट के 1/4, न्यूमरेटर वाला को डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे। यही मान लो 30% है तो बिना काटे भी हो सकता है, काटेंगे तो 3/10 कटेगा मैक्सिमम, 30/100 ऑन कॉस्ट मतलब कितना ऑन सेल होगा, 30/130। जो न्यूमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में ऐड होगा, 30/130 ऑन सेल। हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, पच्चीस बाई हंड्रेड ऑन कॉस्ट कितना होगा, 25/125 ऑन सेल। समझ में आ गया? एक परसेंटेज था लाख भाई अमर, क्योंकि उसका स्टॉक में 50,000 इंक्लूडेड है। उसका स्टॉक मतलब सेलिंग प्राइस, मेरा स्टॉक नहीं। आई हैव सोल्ड यू एट 25% ऑन कॉस्ट, मीन्स ऑन सेल व्हाट इज द परसेंटेज, 1/5। दिस स्टॉक इज कमिंग बैक टू मी, सो ऑन दिस स्टॉक 1/5 प्रॉफिट इज देयर, आई हैव टू एलिमिनेट दैट। यूजुअली वी डू इट फ्रॉम गुडविल, बट इन मर्जर मेथड इट विल बी थ्रू पीएल, रिजर्व एंड सरप्लस, राइट? इज इट फाइन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, यही स्टॉक मैंने तुमको बेचा था वापस आ रहा है, 50,000 का स्टॉक मेरे पास वापस आ गया, मेरा ही बेचा हुआ स्टॉक मेरे पास वापस आ गया। अब ये मेरा स्टॉक है, इस पे हमको प्रॉफिट हटाना है, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक 50,000 मैंने तुमको बेचा था, पहले हम लोग के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, मैंने तुमको खरीद लिया तो वो रे, ये तो स्टॉक मेरा ही है। अगर तुमने उसको बेच दिया होता तो वो स्टॉक मेरे पास आता नहीं, अनरियलाइज प्रॉफिट का सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा ही बेचा हुआ माल मेरे पास वापस आया तो उस पर अनरियलाइज प्रॉफिट हटाएंगे। अब जब मैंने बेचा था 25% ऑन कॉस्ट, तो ऑन सेल क्या होगा, क्योंकि ये 50,000 सेलिंग प्राइस है उसका, मेरे पास वापस आया उसके प्राइस पे, राइट? तो ऑन सेल वाला परसेंटेज यूज करेंगे 1/5, सो 10,000, सो इट विल बी 10,000 डेबिट टू स्टॉक, 0.5 × 1/5, दैट इज 0.10, क्योंकि इन लैक्स है ना, बींग यूपी ऑन स्टॉक एलिमिनेटेड, ये गुडविल कैपिटल रिजर्व होता, गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, बट क्योंकि ये मर्जर मेथड है तो रिजर्व एंड सरप्लस से एडजस्ट होगा।
तो ये मर्जर मेथड है, मेरा रिजर्व्स के साथ तुम्हारा रिजर्व ऐड होगा प्लस, सॉरी मेरा रिजर्व्स के साथ तुम्हारा रिजर्व ऐड होगा मतलब प्लस हो गया माइनस ये अनरियलाइज प्रॉफिट। और सिक्योरिटी में तो अलग से आएगा ही, तो बैलेंस शीट ऑफ बेस्ट कैसे बनेगा, इसका ओन बैलेंस शीट प्लस जनरल एंट्री। तो ये होमवर्क में ले लेना, इसका ओन बैलेंस शीट प्लस जनरल एंट्री, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, सो प्लीज प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स। जितना भी टॉपिक्स हमको कवर करना था इस चैप्टर में, वी हैव डन इट। मोर 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 प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका बेस उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, राइट? सो द ओनली थिंग विच यू नीड इज प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। ठीक है, बाय बाय।